ये जो लगता है कि उनके पार्टी की उनकी दो मनस्थिति पर दो काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। और यदि इसमें एक भी बात गलत होगी तो मुझे आप सदस्यता से उसी दिन निकाल दीजिएगा। से बचने के लिए एक लाख रुपया देके कोई 5,000 करोड़ की कंपनी ले सकता है? या जी और राहुल जी बता सकते हैं सर, कोई दूसरा नहीं बता सकता। और आप इनकम टैक्स के लिए बचाव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करते हो? अविश्वास प्रस्ताव किस लिए आया? यहाँ सोनिया जी बैठी हुई है, सोनिया जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ सर। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की उनकी दो मनस्थिति है, वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही है, इसीलिए अलौकिक पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको दो काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। अरे जिसका नेम ले रहा है वो बोले ना, जिसका नेम ले रहा है वो बोले, ये लोग क्यों बोल रहे हैं? अध्यक्ष जी, जिसका नाम लिया जा रहा है वो सदन में मौजूद है, वो ऑब्जेक्शन नहीं कर रही है। दूसरे क्यों कर रहे हैं ऑब्जेक्शन? दूसरे क्यों ऑब्जेक्शन कर रहे हैं? वो खुद सदन में मौजूद है, उनको कोई ऐतराज नहीं है। दूसरे ऐतराज करने वाले कौन होते हैं? जब ऑलरेडी सदन में लोकसभा के माननीय सांसद मौजूद है और वो ऐतराज नहीं करेंगे तो दूसरे ऐतराज करने वाले कौन होते हैं? अब आप समझे सर, मैंने दोनों बातें कही कि बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। मैं अपने बात पर कायम हूं सर। आप ये समझे सर, ये केस है सर, इनकम टैक्स का केस चल रहा है, नेशनल हेराल्ड का इनकम टैक्स का एक केस चल रहा है ट्रिब्यूनल में। मैं जो भी पेपर कहेगी कांग्रेस, मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो है इसको रखने को तैयार हूं। और यदि इसमें एक भी बात गलत होगी तो मुझे आप सदस्यता से उसी दिन निकाल दीजिएगा सर। लेकिन कांग्रेस पार्टी को सुनना चाहिए सर, इनकम टैक्स अथॉरिटी ने कहा कि ये फाउंडेशन के जितने इनके केस है, नेशनल हेराल्ड के जितने केस है, उसकी असेसमेंट करें। हाईकोर्ट का आदेश आ गया कि इसको जो है सेंट्रलाइज करना, यह हाईकोर्ट का आदेश है। अभी यह सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब आप समझिए कि इनकम टैक्स से बचने के लिए एक लाख रुपया देके कोई 5,000 करोड़ की कंपनी ले सकता है? ये मैडम सोनिया जी और राहुल जी बता सकते हैं सर, कोई दूसरा नहीं बता सकता। और ये कह रहे हैं कि केवल हमारे ऊपर ये चीजें होती है। यहाँ जीएम सिद्धेश्वर बैठे हुए सर, हमारे पार्टी के सांसद हैं जीएम सिद्धेश्वर, अब भी 80 करोड़ रुपया उन्होंने इनकम टैक्स में भरा है सर। यदि मोदी जी आपको चोर कहने की बात करते हैं तो अपने पार्टी के भी लोग जो दोषी हैं उनको भी 80 करोड़ रुपया दिया। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं सर, जीएम सिद्धेश्वर को 80 करोड़ देना पड़ा, बीजेपी के 4 बार के सांसद हैं। और आप इनकम टैक्स के लिए बचाव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करते हो?